हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्वर्की स्टूडियो। आज मैं आप लोगों को अपने डिशवॉशर का डेमो देने वाली हूँ। ये डिशवॉशर एलजी ब्रांड का है और इसका मॉडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। इसका डिज़ाइन बहुत ही स्लीक है और अंदर से ये पूरा स्टेनलेस स्टील फिनिशिंग का है। तो इसमें हमें दो बास्केट मिलती है। लोअर बास्केट वो कम्प्लीटली रिमूवेबल है। लोअर बास्केट की टाइंस एडजस्टेबल है, तो आप इसे फोल्ड कर सकते हैं जब आपके पास बिग यूटेंसिल्स हैं लाइक कुकर, कढ़ाई, बिग पैन, और आप इसे अनफोल्ड कर सकते हैं जब आपके पास प्लेट्स ज़्यादा है, आप उसको स्टैंडिंग पोजिशन में इसमें लगा सकते हैं। और ये ट्रे कम्प्लीटली रिमूवेबल है, तो आप इसे डायरेक्टली बर्तनों के साथ अपने कैबिनेट के पास लेके जा सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली बर्तनों को रख सकते हैं। अपर बास्केट की हाइट एडजस्टेबल है, तो आपके पास जब बिग पैन्स हैं तो आप इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। जब आपके पास कप्स, मग्स ज़्यादा हैं तो आप इसकी हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये साइड में कटलरी होल्डर है, इसमें आप अपने स्पून, फॉक, नाइफ लगा सकते हैं। इसकी टाइंस भी एडजस्टेबल है, जिसको आप प्लेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें वाटर है वो तीन स्पॉट से आता है। द फर्स्ट वन इज टॉप स्प्रिंकलर, ये है मिडिल स्प्रे आर्म, और ये है फोर आर्म्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड क्वाड वॉश। तो इससे जो वाटर प्रेशर है वो बर्तनों के कोने में जाता है और बर्तनों की अच्छे से सफाई करता है। ट्रू स्टीम का बहुत ही यूनिक फीचर है एलजी के इस मॉडल में, जिससे बर्तनों की चिकनाई जो है, ऑयली डर्ट स्टेन्स, वो बहुत अच्छे से रिमूव होते हैं। ये है सॉल्ट कंपार्टमेंट जो वाटर को सॉफ्टन करता है। ये लेफ्ट साइड में है डिटर्जेंट सेक्शन, ये है रिंसेट सेक्शन। रिंसेट को हम वंस इन अ वाइल फिल करते हैं लाइक सॉल्ट, डिटर्जेंट को हमें डेली फिल करना होता है डिपेंडिंग ऑन आर यूटेंसिल लोड इज। ये फूड पार्टिकल कलेक्टर है, जिसे बस रनिंग वाटर के नीचे क्लीन करना होता है। ये है कंट्रोल पैनल, ये कम्प्लीटली टच बेस्ड है, इसमें आपको सारे फंक्शंस दिखेंगे। ये सारे बर्तन हैं जो मैं आज अपने डिशवॉशर में लगाने वाली हूँ। ये प्लेट को स्टैंडिंग पोजीशन में लगाऊंगी। ये है माइक्रोवेव की ट्रे जो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। मिक्सर जार, दूध की छन्नी, चाय का बर्तन जो पूरा जला हुआ था। ये है दूध का बर्तन जो जिसमें दूध पूरा ऊपर आ गया था। स्पाइस बॉक्स, अब मैं अपर रैक को भी अरेंज कर लूँगी। इसमें मैं सारे दूध, कॉफ़ी, शेक के मग्स और कप्स रखूँगी। इसमें मैंने स्पाइस जार्स भी रखे हैं। और मिक्सी का छोटा वाला जार भी रखा है। ये सारे स्पाइस बॉक्स के छोटे वाले बोल्स हैं। एक लैडल, बोल्स, स्टील बोल्स। डेमो के लिए मैंने किचन में अवेलेबल ऑलमोस्ट हर टाइप के बर्तन लिए हैं। मेरे सारे बर्तन लोड हो चुके हैं, तो
अब मैं स्प्रे आर्म्स को रोटेट करके चेक कर लूँगी कि कहीं ये किसी बर्तन से टकरा तो नहीं रहा है। फिर मैं डिटर्जेंट डाल दूँगी और कंपार्टमेंट लॉक करके डिशवॉशर को क्लोज कर दूँगी। मैंने आज का लोड ऑटो पे लगाया है, ये डर्ट लेवल को खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। और मैंने स्टीम सेलेक्ट किया है, मेरा वाईफाई ऑप्शन ऑन है तो मैं अपने मोबाइल से इसके साइकिल को मॉनिटर कर सकती हूँ। और जब इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। साइकिल अब कंप्लीट हो गई है तो इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। देखिए सारे बर्तन कितने क्लीन लग रहे हैं। ग्लास की ट्रे तो बिल्कुल साफ हो गई है। एवरीथिंग इज सो क्लीन एंड स्पार्कलिंग। इसमें बर्तन गर्म पानी से धुलते हैं इसलिए वो स्टेरिलाइज भी हो चुके हैं। ये दूध और चाय का बर्तन तो बिल्कुल साफ हो गया। कहीं भी आपको कोई स्टेन या डर्ट मार्क नहीं दिखेगा। बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमकने लगते हैं। इन शॉर्ट मेरी लाइफ इससे बहुत ही आसान हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय डिशवॉशर प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।